आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई तो वो देश के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस शपथ कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जानकारी देते चलें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। जज के रूप में उनकी पहली नियुक्ति साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी। उससे पहले 1998 से 2000 तक वो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। चंद्रचूड़ ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल की और प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय के लिए इस अहम पद पर रहे। 1978 से 1985 यानी 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ की एक खास बात यह है कि उनके चेहरे पर हर समय एक सहज मुस्कान होती है। वो जूनियर वकीलों से भी उसी सम्मान से पेश आते हैं जितना जाने माने वकीलों से। जानकारी देते चलें कि कोविड के दौर में उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पर कई आदेश दिए। एक ऐसा मौका भी आया जब वो खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। उनके नजदीक काम करने वाले लोगों का कहना है कि चंद्रचूड़ उदार छवि के हैं और उनका व्यक्तित्व हमेशा फैसलों में दिखता है। आपको जानकारी होगी कि हाल ही में उन्होंने अविवाहित महिलाओं को भी 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति दी। इस ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पति ने जबरन संबंध बनाकर पत्नी को गर्भवती किया है तो उसे भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार होगा। इस तरह गर्भपात के मामले ने ही सही, कानून में पहली बार वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को मान्यता मिली। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार और नजदीकी वकीलों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत तमाम मौलिक अधिकारों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ सजग रहे। उन्होंने राजनीतिक और वैचारिक रूप से अलग अलग छोर पर खड़े लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक जैसा आदेश दिया। वो ये कि सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने के लिए किसी को जेल में डाल देना सही नहीं है। लंबे समय से सेना में स्थायी कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रही महिला अधिकारियों को भी उन्होंने राहत दी। अयोध्या मामले का फैसला देने वाली 5 जजों की बेंच के जस्टिस चंद्रचूड़ भी सदस्य थे। आधार मामले पर फैसला देते हुए उन्होंने निजता को मौलिक अधिकार घोषित करवाने में अहम भूमिका निभाई। और भी तमाम फैसले हैं जिससे गिना जा सकता है। ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने अपने चेंबर में तिरंगे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राष्ट्रपति भवन से वो सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे। उन्होंने बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चंद्रचूड़ से लोगों को आशा है और क्यों उनका बयान चर्चा में है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे चंद्रचूड़ फैसले देते हैं।